हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ़ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड ईवीएस व्हिच इज़ हियर कम्स अ लेटर लेटर के बारे में डेफिनेटली लेटर्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई होंगी जो कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है वैसे आजकल कम यूज़ में है क्योंकि सबके पास फोन एंड ऑल है लेकिन यूज़ कभी इसका बंद होने वाला है नहीं आपने अभी भी देखा होगा पोस्टमैन को डिफरेंट लेटर्स लेके आता है ऑफिशियल अनऑफिशियल एंड ऑल सो so, ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं आपको चैप्टर एन का एक्सप्लेन करूंगी हम लोग एन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड देन वर्कशीट करेंगे क्योंकि एन में डिस्कशन वाले और एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं वर्कशीट में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो करते हैं और फिर आपकी एक क्विज़ होगी उसकी ओके okay? तो ये सीक्वेंस रहेगा ये फर्स्ट वीडियो है एन के एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें पता लगती है आपको जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी होती है स्टोरी के थ्रू बहुत सारी चीजें बताती है एनसीईआरटी ओके सो लेट्स बिगिन नाउ क्लास थ्री चैप्टर सेवनटीन हेयर कम्स अ लेटर लेटर भी आपको दिखाया हुआ है देखिए लेटर uh, क्या कह रहा है अहमद यू टेल हाउ आर यू अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अलॉट हम सभी फ्रेंड्स तुम्हें बहुत मिस करते हैं होप यू विल कम टू अगरतला इन दिस वेकेशन उम्मीद है कि तुम इन वेकेशन में अगरतला आओगे रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स सभी बड़ों को रिगार्ड्स योरस रीना तो किसी बच्चे ने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है ये जो कि आई थिंक अगरतला में है अभी अगर फ्रेंड है जिसने लिखा है और जिसको लेटर लिखा है वो है न्यू दिल्ली में ट्रांसफर हो गया होगा केवी का स्टूडेंट होगा हो सकता है केवी में आप जानते हैं ट्रांसफर्स होते रहते हैं सो so, ये एक लेटर लिखा गया है चलिए अब देखते हैं कि क्या कह रहा है आई एम अ लेटर देखिए लेटर अपनी स्टोरी बता रहा है मैं एक लेटर हूँ ऑटो है ये लेटर की ऑटो आप जानते हैं इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है ऑटोबायोग्राफी जब कोई चीज अपने बारे में बताती है हम ये नहीं कह रहे बायोग्राफी कि ये एक लेटर है आई एम ए लेटर मतलब कि लेटर की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर ही अब आपको अपनी कहानी बताएगा अ लेटर रिटर्न विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद मुझे जो है रीना ने लिखा है पेन और पेपर से पेपर पर पेन से अपने फ्रेंड अहमद को आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स फिर मुझे लेटर बॉक्स में डाला गया द दोस्टमैन टुक मी आउट पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला एंड पुट मी इन अ बिग बैग और अपने बड़े से एक बैग में रख लिया टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाइसिकल फिर मैं राइड लेता हुआ पोस्टमैन की बाइसिकल पर आई रीच द पोस्ट ऑफिस मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग फिर मुझे बड़े से बैग से निकाला गया एंड स्टैम्प्ड हार्ड और जोर से स्टैम्प किया गया द स्टैम्प वॉज ऑफ़ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन स्टैंप कहाँ की थी वो अगरतला की क्योंकि अगरतला से लेटर लिखा गया था तो वहाँ की स्टैम्प लगी जहाँ से इनकी जो जर्नी है वो शुरू होती है लेटर की फ्टर गेटिंग स्टैम्प स्टैंप होने के बाद आई रीच अन बिग बैग में एक नए बड़े से बिग बैग में पहुंचा दिस बैग है बहुत सारे और भी लेटर्स थे और सभी दिल्ली के ही थे द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट रेलवे स्टेशन पोस्टल वैन आपने देखी होगी रेड कलर की होता है रेड कलर का होता है और येलो कलर का साइन होता है पोस्ट ऑफिस का उसके ऊपर जो मैं आपको वर्कशीट में दिखा भी दूंगी तो वो मुझे लेके रेलवे स्टेशन गई देन आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू डेली फिर मुझे ट्रेन में रखा गया जो दिल्ली गया तो देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई सबसे पहले तो जहाँ से लेटर चलता है वहाँ की स्टैंप लगती है उसके बाद लेटर अगर दूर का है तो वो किसके थ्रू जाता है ट्रेन में लेटर्स जाते हैं आपके ओके आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ फाइव टू सिक्स डेज अगरतला से दिल्ली आप जानते हैं बहुत दोनों एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है और दिल्ली बिल्कुल आपका नॉर्थ साइड में है तो चार पांच दिन की जर्नी थी उसकी I reached Delhi. मैं जो किया किया हुआ था, उसके को sort किया जाता है। कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ये मालवीय नगर के एड्रेस है ये सरोजनी नगर के लेटर्स हैं है ना ये लक्ष्मी नगर के वो है आपके ये शाहदरा के हैं। तो दिल्ली में अलग अलग जगह जो है उनके अकॉर्डिंग उनको सोर्ट किया जाता है तो उसको अलग किया गया मुझे कहा अहमद के घर पर दिया गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ लेटर शोन थ्रू दिक्चर्स अब आपको यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू कुछ जर्नी दिखाई हुई है लेटर की आपको बताना है द पिक्चर्स आर नॉट इन सीक्वेंस लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है अरेंज देक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर्स इन द सर्कल आपको सीक्वेंसिंग करनी हो जो सर्कल्स हैं इनमें लिखना है सबसे पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा लेटर लिखा रीमा ने तो सबसे फर्स्ट पिक्चर ये है आपकी ओके okay? सबसे पहले ये काम हुआ था शी रोड अ लेटर उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या हुआ उसने उसको पोस्ट किया होगा तो सेकेंड नंबर पर ये क्योंकि रीमा है हमें ड्रेस से पता लग रहा है इसने पोस्ट किया उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या होता है कि पोस्टमैन ने उससे कलेक्ट किया तो थर्ड नंबर पर ये पिक्चर है अभी पूरी नहीं दिख रही आप बुक से देख लीजिएगा अपनी वैसे मैं अभी दिखा भी दूंगी थर्ड नंबर पर ये होता है उसके बाद वो स्टैम्प किया गया अगरतला में नंबर फोर उसके बाद फिफ्थ नंबर पर क्या हुआ कि उसको हाँ उसको फिर दिल्ली की जो एक और बड़ा सा बैग था उसमें रखा गया तो फिफ्थ नंबर पर यह हुआ सिक्स नंबर पर क्या होता है सोटिंग होती है मट उनकी उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ का लेटर है तो सिक्स नंबर पर सोटिंग देखिए ये अलग अलग जगहों के जो लेटर्स हैं वो अलग अलग उसमें शेल्फ्स में डाले जा रहे हैं तो सिक्स नंबर पर ये हुआ सेवन नंबर पर ये उसके घर में लेटर गया अहमद के घर पर और एट नंबर पर अहमद ने लेटर पढ़ा नाउ ही इज़ हैप्पी कि उसके फ्रेंड्स उसको याद करते हैं ओके सो रीना रोट अ लेटर टू अहमद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास डोंट फोगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम एवरी वन हैज़ रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट सब बच्चे लेटर लिखेंगे आपकी क्लास के अपने फ्रेंड्स को आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी कोई भी बात को कह सकते हैं अब आपको बताना है सबने लेटर लिख दिया तो पोस्ट कहाँ करें लेकिन अब तो क्या करेंगे उसके लिए आप लेटर बॉक्स बनाएंगे एक एम्प्टी शू बॉक्स लेंगे ये तो के वी में मैंने देखा है बहुत बच्चे बनाते हैं ये आपका अगर आप स्कूल जाते हैं अभी तो कोरोना की वजह से आप सब घर में हैं तो शायद से टीचर आपको ना दे लेकिन ये हमेशा uh, जो है मैं भी इनफैक्ट जब ईवीएस मिलती है मुझे फोर्थ क्लास की तो ये एक एक्टिविटी ज़रूर कराते हैं हम लोग एक प्रोजेक्ट होता है ये कि अब बच्चों को क्या करना होता है एक लेटर बॉक्स बनाना होता है शू का डब्बा आप लीजिए उसमें कटिंग करिए आगे से कहां से लेटर जाएगा एंड ऑल और बच्चे बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं ठीक है थीके? तो ये आप कर सकते हैं सीजर्स वगैरह की हेल्प से उसके ऊपर रेड पेपर पेस्ट कर दीजिए अच्छा सा एक लेटर बॉक्स बनाएंगे अब उसमें ये करेंगे एक बच्चा एक्ट करेगा पोस्टमैन का दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ ये आप खुद कर लीजिएगा एक बार रीड बच्चा एक पोस्टमैन की एक्टिंग करेगा उसके बाद आप लेटर बॉक्स में से निकालेंगे सब बच्चों को उनके लेटर्स देंगे जिस फ्रेंड का लेटर है जिसके लिए आपने लिखा है और फिर बहुत इन्जॉय आप करेंगे कि आपके फ्रेंड ने एक आ, क्या लिखा है आपके बारे में जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड जैसे आपने लेटर लिखा अपने फ्रेंड को इन द सेम वे योर फ्रेंड एंड रिलेटिव मस्ट ऑल्सो भी सेंडिंग लेटर्स टू यू आपके रिलेटिव और दूर जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको लेटर्स भेजते होंगे ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल घर से कुछ स्कूल में लेके आइए जैसा मैंने कहा कि आजकल ये शायद आपको लेटर्स ना मिले अपने घर पे रिलेटिव्स के लिखे हुए क्योंकि फ़ोन आ गए हैं कम्युनिकेशन का जो मीन है वो चेंज हो गया पहले लेटर्स लिखे जाते थे पुराने लेटर्स अगर आप पूछे तो शायद आपके पेरेंट्स ने किसने संभाल के रखे हो तो वो मिल सकते हैं बाकी अब नहीं मिलेंगे सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स आर देयर देखिए कि कितने टाइप के लेटर्स आप देखते हैं कि होते हैं तो वॉट डिफरेंट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स इन लेटर्स में क्या डिफरेंस आपको मिलता है तो वैसे मैं बता देती हूँ कुछ आपके पोस्ट कार्ड्स होते हैं कार्ड के ऊपर ही लिखा रहता है जैसे हमने ऊपर देखा वहीं पे एड्रेस लिखा वहीं पे मैसेज लिखा हुआ है सिर्फ आप पोस्ट कर देंगे वो चला जाएगा और कुछ लेटर्स एनवलअप में होते हैं बाहर एड्रेस होता है के और अंदर मैसेज होता है कोई और पढ़ नहीं सकता तो पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलअप ये दो लेटर्स आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे विच लेटर्स हैव ऑन है किस लेटर्स पे स्टैंप होती है तो सभी लेटर्स जो भी होगा बिना स्टैंप के वो कहीं नहीं पहुंचेंगे सभी पे स्टैंप होनी कंपलसरी है आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर क्या सभी स्टैम्प सिमिलर है बिल्कुल भी नहीं आप देखेंगे बहुत टाइप की स्टैम्प होती है इनफैक्ट कई लोगों को तो शौक होता है हॉबी होती है उनकी स्टैम्प्स को कलेक्ट करना बहुत पुरानी पुरानी स्टैम्प भी वो रखते हैं अलग अलग डिफरेंट पिक्चर्स होती है उनके ऊपर किसी के ऊपर किसी पर्सन uh, की पिक्चर होगी किसी के ऊपर किसी मॉन्यूमेंट की पिक्चर होगी अगर आप देखना चाहें तो अगर, अगर कोई कमेंट में कहता है कि हमें स्टैम्प्स देखने हैं तो मैं आपको दिखा भी दूंगी वर्कशीट जब हम करेंगे तब अभी तो हम लोग एनसीईआरटी ही रीड कर रहे हैं हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस इन दीज लेटर्स आपने अगर देखा है तो यस लिखेंगे अदरवाइज नो उसके बाद कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट करके आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है राइट द फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो अपने फ्रेंड का फुल एड्रेस लिखिए इस पोस्ट कार्ड के ऊपर विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस एक पोस्ट ऑफिस को विजिट करना है आपको देन वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स अवेलेबल अब आप देख, आपको बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स पर अवेलेबल है अच्छा एक क्वेश्चन रहिए रीना इस पर तो आपको एड्रेस लिखना था देखिए एड्रेस में एक तो हाउस होना चाहिए आपका पहले नाम लिखिए कि, कि किसके नाम का से वो घर है घर में जो भी बड़ा है क्योंकि आप फ्रेंड का नाम लिखेंगे तो डेफिनेटली कोई नहीं पहचान पाएगा तो मान लीजिए राकेश कुमार किसी बच्चे के फादर का नाम है आप वो लिखेंगे फिर उसके बाद क्योंकि जनरली शहरों में या फिर छोटे जो गाँव कस्बे है वहां पर लोग ढूंढ लेते हैं नाम से भी कोई कि इनका घर कहाँ पर है उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे घर का नंबर जरूर होना चाहिए ए नाइन जो भी है फोर हंड्रेड एंड फाइव स्ट्रीट का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर भी रहते हैं नेताजी नगर मान लीजिए है ना आ, ये होगा उसके बाद पिन कोड ज़रूर लिखना है इसके बिना तो लेटर जाएगा ही नहीं आपको पता है कि पिन सिक्स डिजिट्स का होता है आपका स्टार्टिंग की डिजिट्स कंट्री की होती है फिर स्टेट की होती है फिर आपके लोकैलिटी की होती है तो जहाँ का जो भी पिन होगा आप वो लिख देंगे लाइक वन वन जीरो जीरो टू थ्री ये दिल्ली के सरोजनी नगर का पिन है ओके okay? तो पिन कोड लिख के उसके बाद आपका इसको कंप्लीट करेंगे अब नीचे एक क्वेश्चन हमारा रह गया था यहाँ पर रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाई ट्रेन रीना का लेटर दिल्ली ट्रेन से गया हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेस वैन देयर वर नो ट्रेन्स आपको क्या लगता है कि जब ट्रेनस नहीं थी तो लोग कैसे भेजते थे लेटर्स तो पुराने हमने देखा है आई थिंक आपकी इंग्लिश हिंदी की बुक में एक चैप्टर भी है पत्र करके कुछ या फिफ्थ में या फोर्थ में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ इसमें बट पहले जो लेटर्स होते थे वो रीच वे जाते थे बाय पीपल लोग या तो उनको लेके जाते थे जो भी आपने लिखा मान लीजिए आप नहीं जा सकते लेकिन आपको किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो आप लिख के जो वहाँ पे जा रहा है उसको दे देंगे वो उस कंसर्न पर्सन को दे देगा तो आपका मैसेज उसको मिल जाएगा उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग था पीजन्स पीजेंस को प्रिपेयर किया जाता था कबूतरों को और हॉर्सेस जो है ये पहले के ज़माने में आपके लेटर्स और मैसेजेस लेके जाया करते थे ओके विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस अच्छा अब हम लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे थे कि आप अगर जाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी आप जाइए जरूर तब ये लिखेंगे तो ज़रूर थोड़ा वो रहेगा रिलेट कर पाएंगे आप पोस्ट कार्ड्स होते हैं लेटर्स होते हैं स्टैम्प्स होते हैं जो जो चीज़ें आपको देखने को मिले क्या आइटम्स हैं वो देखेंगे उनकी कॉस्ट बताएंगे सो ये आपको खुद करना है ओके वॉट इज दिस वॉट आर रजियन हर आपका सेंड टू ईच अदर अबाउट लेटर्स देखिए दोनों क्या कह रही है रज़िया कह रही है ये रज़िया रज़ियाँ ही अप्पा होंगे इनकी अपा डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ लेटर इन द क्लास अब बच्चा घर जाके बताता है कि हमने आज लेटर की जर्नी देखी क्लास में आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी मैं नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ तो मदर कहती हैं यू कैन राइट अ लेटर आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग तुम लेटर लिखो मैं तो फोन करने जा रही हूँ तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बता सकती हो तुम ओके रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम द शॉप इन द विलेज गांव में एक शॉप से वो फ़ोन कॉल करने जाती है आजकल तो सबके पास फोन है थोड़ा ये भी पुराने टाइम की ही बात है अपा डायल द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी डायल किया नंबर और नानी से बात की दे गिव मनी टू तो द शॉपकीपर शॉपकीपर को मनी दी एंड रिटर्न होम हैप्पीली और खुशी से घर आ गए जैसे आप रिचार्ज कराते हैं ऐसे ही जितना पैसा लगा है अब वो आप उनको दे देते हैं अब क्वेश्चन है वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स टेलीफोन्स आपने कहाँ देखे हैं आजकल तो टेलीफोन की जगह मोबाइल फोन ने ले लिया बट स्टिल आपने टेलीफोन्स देखे होंगे ऑफिस आप अपने स्कूल के ऑफिस में जाएंगे वहां पर आपको टेलीफोन मिल जाएंगे घरों में भी होते हैं कहीं हाउसेज में देन स्कूल्स में कॉलेज में है ना और टेलीफोन बूथ्स जो होते हैं वहाँ पर तो होते ही हैं ओके ये कुछ जगह है जहाँ पर आपको टेलीफोन देखने को मिल जाएंगे विद होम डू यू टॉक ऑन टेलीफोन किसके साथ आप टेलीफोन पर बात करते हैं तो फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं है ना रिलेटिव का नाम लिख दीजिए अपने पेरेंट्स के साथ आप कर सकते हैं अगर आप उनसे दूर रहते हैं विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल वाई आपको दोनों में से क्या पसंद है वैसे तो ये आपके लिए ही है कि आपको क्या अच्छा लगता है लेटर लिखना ज्यादा अच्छा है या फिर फोन कॉल करना ज़्यादा अच्छा है आई थिंक मोस्टली बच्चों का आंसर फोन कॉल करना ही होगा क्योंकि लेटर आप लिखते हैं वो कई दिनों में पहुंचेगा फिर वो पढ़ेगा फिर वो पर्सन रिप्लाई करेगा तो इतना वेट कौन करेगा इससे अच्छा फोन करो जो बात है बता दो वाई फिर रीजन भी देना आपका अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है क्योंकि टाइम बच जाता है फोन कॉल करने से जनरली टेलीफोन्स आर डिफरेंट टाइप ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन यू हैव सीन जो पिक्चर्स जो आपने टेलीफोन देखे हैं उनकी एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है वॉट ऑल कैन टेलीफोन बी फॉर तो टेलीफोन का एक ही आई थिंक कि ऑडिबल कम्युनिकेशन हो जाती है किसी से आप बातचीत कर सकते हैं वो भी सुन सकते हैं लेटर की तरह नहीं कि लिख के आपको करना पड़ेगा फॉर ऑडिबल कम्युनिकेशन कोई डिस्टेंट प्लेसेस पर है या फिर सिंपल लैंग्वेज में लिखिए ये इतना मुश्किल भी लिखने की जरूरत नहीं है टू टॉक विद आर लव वस जो आपके प्रिय लोग हैं उनसे बात करने के लिए हु आर ए डिस्टेंट प्लेसेज जो आपसे दूर हैं उनसे आपको अगर बात करनी है तो उसके ये पर्पज़ आपका टेलीफोन जो है वो सर्व करता है ओके okay? नेक्स्ट इज मेक योर ऑन टेलीफोन अब आपको खुद का टेलीफोन बनाना है फॉर दैट दो आपको एम टी बॉक्स चाहिए होंगे एक आइसक्रीम कप चाहिए होगा थ्रेड चाहिए होगा इस डिज़ाइन को पढ़ लेना क्या करना है आपको ये आई थिंक बच्चे करते भी है थ्रेड जोड़ के और जो कप है उनसे अटैच करके और बात करते हैं एक फेस पर लगा के बोलता है कान में लगा के सुनता है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स नीचे डिजाइन योर ऑन फोन अपना खुद का फोन डिजाइन करिए मेन्शन इथ स्पेशल फीचर्स बताइए कि क्या है वॉट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज इफ़ देर इज़ नो पोस्ट ऑफिस अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो और क्या मीन्स हो सकते हैं uh, आपके मैसेज सेंड करने के तो जैसा आज कल तो जो ज़्यादा चल रहा है दैट इज़ ई मेल्स इलेक्ट्रॉनिक मेल ज़्यादा है आप इंटरनेट के थ्रू मेल कर सकते हैं ये बेस्ट है अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी या फिर टेलीफोन तो है ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें टेलीफोन मोबाइल फ़ोन्स है ना मोबाइल जो आपके साथ हमेशा रह सकता है उसके बाद एस एम एस हो सकते हैं जो आप मोबाइल से भेज सकते हैं टेलीफोन में ये फैसिलिटी नहीं होती है ना लेटर्स तो है पिजन्स हो सकते वो पहले थे आजकल तो पिजन्स को कौन ट्रेन करेगा इतना सो so, ये कुछ हो सकते हैं ई मेल टेलीफोन मोबाइल एस एम एस आप लिख सकते हैं इसके आंसर में ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक इसमें नहीं लगा जो एग्जाम में आएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग वर्कशीट में करेंगे बीच से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली बन सकते हैं इसके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है जर्नी बताई हुई है लेटर की और किस तरीके से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गए हैं पहले कैसे लेटर्स जाते थे और अब किस तरीके से फोन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया हुआ है सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम वर्कशीट हम लोग करेंगे इसकी और फिर कोई जाएगी आपकी